हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एन एस्ट्रोलॉगर्स डे। पूरी कहानी हिंदी में बताएंगे। ये शॉर्ट स्टोरी का पार्ट टू है, जो कि दूसरा चैप्टर है। और आपने पार्ट वन नहीं देखा द गोल्ड वॉच, तो ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो में हम पूरी कहानी इतनी आसानी से बताएंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस आदमी का ज्योतिष बनना। एक आदमी रहता है जो किसी मजबूरी के कारण ज्योतिष बन जाता है, वही हम इस कहानी में जानेंगे। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसने एक बार अपने दोस्त से झगड़ा किया। उसने दोस्त को घायल कर दिया और उसे कुएं में ढकेल दिया। उसने सोचा कि उसने उसे मार दिया और वह डर गया और 200 मील दूर जगह में बसने के लिए अपने गाँव को छोड़ दिया। वह वहाँ एक ज्योतिष बन गया। उनकी व्यवसायिक सीट शहर के बीच एक पेड़ के नीचे लगती थी। यह सड़क एक भीड़ भाड़ वाला बाजार था। ज्योतिष को ज्योतिष का बहुत कम ज्ञान था, फिर भी वह अपने तेज तीन अनुमान के कारण एक अच्छा व्यवसायी था। उसने अपने जवाबों को अपने मरीजों द्वारा अपने ग्राहकों के स्वयं के बयानों को सुनकर निकाला। एक शाम जैसे ही ज्योतिषी घर जाने के लिए तैयार हुआ, एक अजनबी उसके पास आया। वह हैरान परेशान था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक गंभीर समस्या थी। उन्होंने और ज्योतिषी ने एक अच्छे भुगतान की शर्तें तय की। यदि ज्योतिषी उनके समस्या ग्रस्त प्रश्नों का उत्तर देगा तो। अजनबी जानना चाहता था कि क्या वह उस आदमी को ढूंढेगा जिसने घायल किया था और उसे कुएं में ढकेल दिया था। ज्योतिष ने उसे ग्राहक का पिछला जीवन सुनाया। उसने अपने नाम से ग्राहक को बुलाया। ज्योतिषी ने ग्राहक को बताया कि वह व्यक्ति जिसे वह खोज रहा था, वह गायब हो गया था। उसने ग्राहक को अगली उपलब्ध ट्रेन से अपने गाँव वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने उस अजनबी को आगाह किया कि वे और अधिक वहां न आएं, क्योंकि आगे की यात्रा उनके जीवन के लिए जोखिम भरी होगी। ज्योतिष की राह। ज्योतिष देर रात घर गया। उसने अपनी कमाई अजनबी से अपनी पत्नी को दे दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह आदमी जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था, वह जीवित था। इसके अलावा आदमी फिर से ज्योतिष के शहर में कभी नहीं आएगा। ज्योतिष ने अपनी पत्नी को पिछली कहानी सुनाई और इस तरह अपनी पुरानी चिंता से छुटकारा पाया। तब जाकर उन्हें राहत की नींद मिली। इस तरह इस कहानी के साथ साथ यह वीडियो भी खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक।